हिंद एक्सप्रेस न्यूज के विशेष डिजिटल बुलेटिन दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं काजल मारिया आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के विशेष समाचारों में आज के कुछ खास अंश इस प्रकार हैं। आज पूरे देश में शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बार कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहा, लेकिन सरकार ने हर शहर में पोस्ट विभाग के माध्यम से गंगा जल की व्यवस्था की थी। हरियाणा के यमुना नगर में वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और शिवालय पर जल अभिषेक किया। सोशल डिस्टेंस व मास्क का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यमुना नगर जिला के अलग अलग मंदिरों में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका था। सरकार की ही दायित्वों के मुताबिक एक साथ 5 व्यक्तियों से अधिक के मंदिर में जाने पर प्रतिबंध रहा, जिसके चलते श्रद्धालु बारी बारी से मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते रहे। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने यमुना नगर के जगाधरी में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। अब की बार कोरोना की समस्या की वजह से जो हर बार कावड़िए कावड़ लेके आते थे और एक अलग टाइप का माहौल होता था, तो वो माहौल तो अब की बार बड़ा नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से उस प्रकार की परमिशन नहीं मिली। लेकिन सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था की कि गंगा जल की व्यवस्था सभी जगह कराई है और लोग अपनी जो आस्था है उसको कायम रखें और वो गंगा जल लें और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और सब ने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा के रखी, सारा सिस्टम से है और जो उनकी मान्यता है उसको भी पूरा कर रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान से तो जब भी होती है यही होती है कि वो सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें, और ये जो सारा कुछ है उन्हीं की कृपा है। और कुछ ना कुछ हमारी कमियाँ रहती हैं जिसकी दंड भी हमें मिलता है, सजा भी मिलती है हमें उसकी। हम ही कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है भगवान शिव सबको इस सद्बुद्धि भी दे, ये जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ ना करें और आगे सब लोग सुखी रहें और ये कोरोना की बीमारी से भी, महामारी से भी जो देश है वो सुरक्षित रहे। बहुत सुंदर व्यवस्था इन्होंने कर रखी है और आपने देखा होगा सारे गोलदारे लगा रखे हैं इन्होंने, हर आदमी उसमें खड़ा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो रहा है। सर, जैसे पंचायत के चुनाव होने वाले, सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो इस बार क्या स्थिति मानते हैं? भिवानी हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम स्थित शिवालय में कोविड-19 के चलते आज श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग करके शिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया और भगवान शिवलिंग पर गंगा जल व जल अभिषेक कर उनसे मनोकामना की। वहीं काफी भक्तों ने भगवान शिव के समक्ष पूजा अर्चना व गंगा जल अर्पित कर कामना की है कि देश और दुनिया के अंदर जो कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है, इसका भगवान शंकर जल्द से जल्द खात्मा करें, ताकि फिर से देश और दुनिया में जनमानस की व्यवस्था पटरी पर आ सके। शिव जी की शिवरात्रि पे हमने मास्क लगा के शिवलिंग पे पानी चढ़ाया है, गंगा जल चढ़ाया है, पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, इसलिए मैं आपसे भी विनती करती हूँ आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। 19 के चलते जो त्यौहार मनाया गया है, एक बड़ा अच्छा त्यौहार है, भगवान शिव के प्रति लोगों का समर्पण है और जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, शिव भक्त हैं, उन्होंने आज बड़ी खुशी के साथ में जल चढ़ाया है और भगवान से प्रार्थना की कि इसी प्रकार से जो आज मौसम रहा है, बारिश आई है, उसी प्रकार से मौसम समय समय पर ऐसा बना रहे आपकी कृपा से, तो लोगों ने आशीर्वाद भी लिया है, जल भी चढ़ाया है, अपने लिए कामना भी की है। रेवाड़ी में लॉकडाउन में 4 माह से बंद मंदिर के कपाट आज एक दिन के लिए शर्तों के साथ खुले। श्रद्धालुओं ने भी सोशल डिस्टेंस समेत तमाम शर्तों के साथ मंदिर में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। मंदिर में मास्क पहनकर श्रद्धालुओं को मंदिर में आने की अनुमति दी गई। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आए। मतलब व्यवस्था कर रखी थी और कोई दिक्कत नहीं थी, लाइन से जा रहे थे, सबने मास्क लगाए हुए थे और बहुत ही प्रेम से जल चढ़ रहा था। मंदिर में जब लोग भीड़ है, दो आदमी मास्क लगाए बिना अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं और दो आदमी पूजा कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रही है और
लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा पर रोक लगाई हुई थी, जिस कारण सावन मास की महाशिवरात्रि पर हरिद्वार और गोमुख में से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवर ये नजर नहीं आए। भगवान की मूर्तियों पर पड़ी धूल व कपड़े से ढकी यह मूर्तियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत दिनों से इन्हें बाहर नहीं निकाला गया। इन मूर्तियों से कई परिवारों का चूल्हा चला करता था। कलाकार जो अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, आज वह लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम अक्सर सावन के महीने में जगह जगह गाना बजाना या फिर रात्रि जागरण देखने को मिला करते थे, लेकिन इस बार सब बंद है। इस बंद के चलते बहुत से लोगों की रोजी रोटी भी चली गई है। पहले नवरात्रि और फिर सावन, यह दोनों त्योहार इन लोगों के लिए सीजन हुआ करते थे, जिससे यह लोग अच्छे पैसे जुटा लिया करते रहे। लेकिन इस बार इन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से यह लोग उधार मांगने को मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सभी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किए हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। सरकार को इनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, जिसे अपने घर का ये खर्चा उठा सके। जब से लॉकडाउन लगा है हम सरकार की हर एक बात मानते हैं, लेकिन जागरण लाइन के जो भी थे, साउंड वाले, भवन वाले, दरबार वाले, सिंगर, नाचने वाले, बजाने वाले, कलाकार, हर एक लोग अब तंग है। थोड़ा थोड़ा काम हर एक चीज़ का खुल चुका है, थोड़ा थोड़ा सरकार ने सबका खोल दिया है, लेकिन कलाकार जो कला के माध्यम से लोगों को खुश करते हैं, सरकार को वो याद भी नहीं है कि हम इस भारतवर्ष में, इस देश में, इस हरियाणा में हैं भी हैं या नहीं भी हैं, सरकार को हम याद नहीं है। हर एक कलाकार ऐसी जीवन नरक से गुजर रहा है, मैं आपको दिल खोल के बता भी नहीं सकता कि हमारे साथ हाल क्या है इस टाइम, क्योंकि कलाकार सबसे ज़्यादा परेशान कलाकार है। हमारी एक फेस वैल्यू है, हम जगह जगह पे जाके सब्जी की रेड़ी भी नहीं लगा सकते, इतना हाल माड़ा है। जब शादी के अंदर 50 लोग इन्होंने अलाउड कर रखे हैं, क्या जागरण के अंदर 50 लोग नहीं बैठ सकते? हम हरेक जो नियम हैं सरकार के, उन नियमों का हम पालन कर रहे हैं। 5 महीने से अपने घर पे बैठे हैं कि सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार को तो याद ही नहीं है कि इंडिया में, यहाँ पे हरियाणा में कोई कलाकार हैं भी हैं क्या नहीं है। हाल है, आप खुद देख लीजिए, इतनी इतनी मूर्तियाँ लाखों रुपये लगे हुए, सब पैक पड़ा है सामान, जितना हमारा DJ का है, साउंड का है, सारा पैक पड़ा है। आज तक कुछ भी नहीं खुला है, सरकार को कुछ भी याद नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द थोड़े बहुत नियमों के साथ हमारा काम खोल दिया जाए, ताकि हमारी रोजी रोटी आगे बढ़ सके और हम अपना काम कर सके। थाना मॉडल टाउन में से शुक्रवार की सुबह चोरी का आरोपी सिपाही को धक्का देकर फरार हो गया। उसने पुलिस कर्मियों से कहा कि पेट में तेज दर्द है और शौचालय जाना है। एक सिपाही उसको शौचालय लेकर गया, इसी दौरान चोर ने सिपाही को धक्का मारा और 6 फीट की दीवार फांदकर फरार हो गया। मॉडल टाउन थाना पुलिस दिन भर उसकी तलाश करती रही, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथों नहीं लगा। एक 457-380 का चोरी का मुकदमा था, जिसमें हमारे कांस्टेबल उसको फ्रेश करवाने के लिए गए हुए थे। जब फ्रेश हो गए, एकदम दरवाज़ा खोल के उसको धक्का दे के निकल गया। उससे मुलाजिम गिर गया और उसके पीछे लगे, तो पीछे झाड़ियों से निकल के फरार हो गया। उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर लिया। समझ तब तक गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए भी टीमें गई हुई हैं, जल्दी गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और फिलहाल अर्जुन नगर में रह रहा था। आरोपी संतोष को सिद्धार्थ नगर निवासी बलदेव के काबड़ी रोड पर गोदाम से 8 जुलाई की रात चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था। सिद्धार्थ ने गोदाम से 40-45 हजार के चेन बटन चोरी हो गए थे। इस दौरान संतोष CCTV में कैद हो गया, जिस पर वीरवार रात को मॉडल टाउन से पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया था। उसे शुक्रवार दोपहर को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करना था। इससे पहले ही संतोष सिपाही को धक्का देकर फरार हो गया। राई स्पेशल पब्लिसिटी सेल हरियाणा के चेयरमैन रॉकी मित्तल और राई हलका विधायक मोहनलाल बड़ोली ने रविवार को आओ चले मनोहर संघ अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा सके।
हरियाणा में कोरोना भयावह रूप से फैल रहा है, लेकिन सरकार अब कोरोना से निपटने के इंतजाम को लेकर गंभीर नहीं है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में ये बात कही है। दीपेंद्र ने कोरोना को लेकर कुछ सख्ती बरते जाने की हिदायत दी है। दीपेंद्र ने लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने की अपील की है। दीपेंद्र ने बड़ौदा उपचुनाव जीतने का दावा किया और कहा कि भाजपा सरकार वोटों की गर्ज में अब बड़ौदा में काम करवा रही है। सरपंचों को बुलाकर ग्रांट का लालच भी दिया जा रहा है। दीपेंद्र बहादुरगढ़ में रेलवे पार्क का शिलान्यास करने आए थे। बड़ौदा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बड़ौदा चुनाव हम जीतेंगे और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा बड़ौदा के चुनाव से मिलेगी। वहाँ पे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। हम मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा सरकार के समय जो कार्यकाल में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा के अंदर जो काम किए गए थे और जो पिछले 6 वर्ष के अंदर और केंद्र की 6.5 साल की सरकार में जिस प्रकार से विकास का पहिया रुक गया है, रोजगार का पहिया रुक गया है, किसान कर्जे में आ गया, किसान मुश्किल में आ गया, जो खुशहाली थी लोगों के चेहरे पे, जो खुशहाली थी, जो लाली थी लोगों के जेब के अंदर, जो पैसा था, वो सारी चीज़ें चली गई। आर्थिक संकट, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया, किसान की दुर्दशा और विकास कार्य पूरी तरह से ठप। इन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। बड़ौदा के लोगों से हम यही प्रश्न करेंगे कि आने वाले भविष्य में वो कैसी सरकार चाहते हैं। बड़ौदा चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि प्रदेश के लोग आने वाले समय में दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाना चाहते हैं या यही सरकार जिस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध, निरंकुश अपराध की तरफ झोंकने का काम किया है इस राज और हम जो कांग्रेस का राज था हुड्डा साहब का, उसमें तुलना करके लोग फैसला करेंगे। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी भी एक दिन जाके आए खट्टर साहब और उनके मंत्री जा रहे हैं, अब सरपंचों को बुला रहे हैं, ग्रांट की बातें हो रही हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या 6.5 साल केंद्र सरकार और 6 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में, क्या 6 साल समय नहीं मिला बड़ौदा एक बार भी जाने का? क्योंकि मुख्यमंत्री जी 6 साल एक बार भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र नहीं गए। क्या 6 साल ना जाना, क्या बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के मानचित्र पर नहीं था? वहाँ पे एक भी कोई विकास कार्य ना आप गए, ना आपके कोई मंत्री गए 6 साल। अब तो उपचुनाव है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद तो आपको गरज है वोटों की, गरज है तो आप काम भी कर रहे हैं। मगर जब लोगों को गरज थी 6 साल तक, तो आप लोगों को भूल गए। क्योंकि आज के दिन प्रजातंत्र में जनता जागरूक होती है, उनको पता है कि 6 साल तक एक बार भी नहीं आए तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र को कितनी तवज्जो देते हैं। तो ऐसी जो सरकार की सोच रही प्रदेश के लिए भी, प्रदेश का जो इतना नुकसान किया और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की भी जो अनदेखी हुई, उसका करारा जवाब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को हरियाणा निवास में बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने जितनी भी नई पहल की हैं, वे सब किसान हित में हैं। उन्होंने कहा कि किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
पिछले दो वर्षों से फसलों की बुआई आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए जाते हैं। इससे किसान अपनी इच्छा के अनुसार फसल बोने का मन बना सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों अध्यादेश आने से अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वह फसल बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदेगी ही, अन्यथा भावांतर भरपाई योजना में फसल के भाव के अंतराल को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन अध्यादेशों के विषय में किसी के बहकावे में ना आएं। कुछ लोगों की आदत किसानों को गुमराह करने की है। किसान यूनियन के नाम पर भी देश में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग तरह की राजनीति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर भी कुछ नेता किसानों को बहकाते रहे, परंतु अब किसान की समझ में आ गया और अब किसान स्वयं अपनी फसल का बीमा करने के लिए आगे आ रहा है। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी दो जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार, एक क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे, ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा, तो ऐसे सारे चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस ज़मीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक उसके ऊपर क्या लागू था कि वो केवल मंडी जो निर्धारित है, जो उसका एरिया तय है, उस एरिया के अंदर ही आकर के बेचेगा, लेकिन अब उसको छूट दे दी गई है कि किसी के साथ भी वो करार कर सकता है बेचने का, और फसल बोने से पहले भी कर सकता है, और न केवल फिजिकली आके कर सकता है, ई एग्रीमेंट भी कर सकता है, कहीं का व्यक्ति खरीदार और कहीं के किसान से कर सकता है, और किसान भी सामूहिक रूप से, एक किसान अगर नहीं भी कर पाता, छोटे किसान हैं तो किसानों का समूह बना करके FPO बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो सब मिल करके 10-20 फार्मर मिल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उसको वहीं वो खरीदार जो है उसके घर से आकर के ले जाएगा, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उससे बचती है। हाँ, इसमें से जो फसल है उस फसल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो उस फसल की क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये करेंगे और उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के आधार के ऊपर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा, तो कोई भी उस क्वालिटी का जो माल है वो किसी भी भाव से खरीद सकता है, कोई उसका फिक्स रेट नहीं रहेगा। विषय आया जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी किसानों के अंदर उस बात को हवा दी जा रही है कि इससे MSP खत्म हो जाएगा। ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो एग्रीमेंट होंगे वो MSP या इससे ऊपर होंगे, MSP जारी रहेगा। अगर किसी फसल का कोई खरीदार नहीं आता है, जो 17 फसलों के MSP लागू किए हुए हैं,
उस MSP पर मंडी में तो खरीद होगी ही होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन अभी तो हर एक किसान की मजबूरी है कि केवल मंडी में ही ले जा सकता है, और मंडी का जो आड़ती है केवल वही लाइसेंसधारी है, वही उसी के माध्यम से चीज़ बेची जाएगी। अब किसान कहीं भी बेच सकता है, वो अंतर्राज्यीय बाजार में बेच सकता है, वो अपने प्रदेश में बेच सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यानी उसके ऊपर ये बंधन भी खत्म हो गए हैं। तो अगर उसको लाभ ज़्यादा मिलता है MSP से भी, तो अपने घर बैठे कहीं भी वो बेच सकता है। और चूंकि अब अलग अलग प्रदेश में फसलें अलग अलग प्रकार से होती हैं, कोई फसल कहीं बहुलता हो गई तो वहाँ बहुलता वाले प्रदेश के अंदर तो खरीदार मिलते नहीं, घाटे में चीज चली जाएगी। कभी हमने MSP में मानो लेट शुरू कर दिया खरीदना, तो उसके पहले, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि केवल उसी मंडी में ले जाके बेचेगा, मंडी में लिमिटेड आड़ती होंगे, लिमिटेड खरीदार होंगे, उसकी फसल उस समय तक नहीं बिकती जब तक MSP पर नहीं खरीदी जाती। अब वो बाहर जो है किसी भी जगह का व्यापारी उसकी चीज़ सारे देश भर का वो खरीद सकता है। ई नैम मार्केटिंग जो व्यवस्था की है, सब मार्केट्स को, मंडियों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। मंडियां तो आपस में ई नैम के माध्यम से करेंगी, लेकिन उसके बाहर भी एग्रीमेंट अपने आप भी ऑनलाइन कोई किसी प्रकार से कर सकता है। एक जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट की धाराएं भी कुछ कम की जा रही हैं, पहले उसमें हर एक फसल के ऊपर ये था कि कोई व्यापारी इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, अब उसको भी छूट दी जा रही है। क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी खरीदता है, उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट महंगा होगा, तो उस महंगे रेट का अगर होल्डिंग वाले को फायदा होगा, तो किसान भी अगर स्टोर करता है, किसान को भी ये स्थिति बन सकती है कि वो अपना माल, ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही खेत में अगर आज है तो कल उसने मंडी में लेके आना है। अगर किसान अपनी व्यवस्थाएं वेयर हाउसिंग के माध्यम से, क्योंकि बड़े लेवल पर वेयर हाउसिंग, बड़े लेवल पर कोल्ड स्टोरेज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर की जाएंगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखा गया है। उस 1 लाख करोड़ रुपए में मानो यही आधुनिक प्रकार की कुछ मंडियां बनाई जा सकती हैं, वेयर हाउसिंग बनाए जा सकते हैं, ड्रायर यूनिट लगाए जा सकते हैं। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। कोई भी किसान वेयर हाउसिंग में अपना जाके सामान रख सकता है, जब चाहे साल भर में बेचेगा, उसके बदले में अगर उसको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो उस सामान को बैंक के माध्यम से उसका एडवांस ये ले सकता है, ताकि उसका पैसा उसको मिल जाए, एक पार्शल उसको पेमेंट हो जाए, उसका काम ना रुके। एक प्रकार से ये कहा जाए कि किसान को भी व्यापार करने की ओर आगे बढ़ाने के लिए सुनहरी अवसर है। किसान अपना व्यापार खुद अपनी प्रोडक्ट का ये करे, ये इसमें से इस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के घरों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण, इसके नाम से ये अध्यादेश। अब आपके माध्यम से इसलिए आज कहने की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ लोगों ने थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाई हुई है, खास करके हरियाणा पंजाब में, कि नहीं इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। तो अगर हम किसान के इंटरेस्ट में ये बातें हैं, ये किसान को पता लगती हैं, तो किसान को लगेगा अच्छी नई चीज़ हमारे लिए आई है, और उस विरोध के कारण से अगर कहीं इस अध्यादेश की खिलाफत होती है तो नुकसान किसान का होगा, इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा, बाकी सिस्टम तो अपने सब चल ही रहे हैं। ऐसे आदान प्रदान में जो एग्रीमेंट होंगे, उसके अंदर कहीं भी उसकी जो ज़मीन है उसके लिए उसका विक्रय या पट्टा या गिरवी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट पैसे के लेन देन के भी होंगे कि हमारे लिए 20 एकड़ आप लोग इस फसल की बुआई करो, कोई एक एग्रीमेंट कर सकता है व्यापारी या जो फूड प्रोसेसिंग का आदमी, उसको टमाटर चाहिए तो 50 एकड़ टमाटर बिकवाने के लिए हो सकता है, उसको एडवांस करें। तो एडवांस अगर करेगा तो उस एडवांस में उसकी ज़मीन का पट्टा, गिरवी, बिक्री ये नहीं कर सकेगा, केवल जो उसका प्रोड्यूस होना है उस प्रोड्यूस के बदले में वो उसको एडवांस करेगा, और जो उसका प्रोड्यूस बिकेगा उसमें से एडवांस काट करके बाकी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी। और इसमें आड़ती भी यदि इस प्रोसेस में आकर के एक व्यापारी के नाते जो एग्रीमेंट फूड प्रोसेसिंग के नाते से करना है, वो भी खरीदार बन करके एग्रीमेंट कर सकता है।
और ख़रीदार बन करके कर से करेगा तो जिस भाव में करेगा एग्रीमेंट उस भाव से उसका सामान लेगा और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से उनके पैसे का लेन देन होगा, वो उसकी फसल का ख़रीदार बन करके उठा के अपना स्टोर करेगा। यानी कमीशंस और आड़त और एक प्रकार का ये जो किसान के ऊपर पड़ने वाला बोझ ये कम हो जाएगा। इसमें एक विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार को या मार्केटिंग बोर्ड को मिलने वाला रेवेन्यू वो भी प्रभावित होगा हमारा। मंडियों से बाहर जो बिक जाएगा, जो एग्रीमेंट हो जाएंगे, उस पर हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। मंडी के अंदर अगर आके कोई बिकेगा और कोई खरीदेगा उस पर वो फीस अभी चालू रहेगी। तो निश्चित रूप से कुछ हिस्सा तो बाहर जाएगा ही, जिसका MSP से ऊपर रेट बाहर मिल जाएगा वो बाहर जाएगा। जो रेट MSP से ऊपर बाहर नहीं मिलेगा वो मंडी में आके बिकेगा, तो मंडी में वो जो रेवेन्यू है वो एज इट इज बचा रहेगा। मंत्री ने कहा कि किसान अपना उत्पाद स्वयं एक व्यापारी बनकर बेचे, इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं, चाहे वे FPO के माध्यम से बेचें या स्वयं अपना ब्रांड बनाकर बेचें। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शीघ्र ही सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे, जिनमें गाँव व शहर का युवा अपनी योग्यता व हुनर के अनुरूप कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरंभ में मेरा पानी मेरी विरासत का भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, यह योजना भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य कम पानी वाली फसलें की बुआई करने का लक्ष्य रखा था, परंतु किसानों ने योजना के महत्व को समझा और 1,18,128 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसल की बुआई करेंगे। मंत्री ने कहा कि पारदर्शी तरीके से कार्य करना उनकी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने इसे पहले GST व नोटबंदी जैसे निर्णय लिए, जिनकी पहले आलोचना भी हुई। अब लोगों को समझ आ गया है कि यह सब अच्छे के लिए हुआ। COVID-19 के दौरान सरकार के प्रयासों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान 16,00,000 परिवारों को 4,000 से 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि उनको संगठन में कार्य करने का लंबा अनुभव रहा है, निश्चित रूप से उनकी नियुक्ति से पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। एक दूसरा एक्ट है जो ऑर्डिनेंस आएगा, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अध्यादेश। मंडियों में वो लोग, यानी स्वतंत्रता होगी, कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, जहां उसको सही अपना दाम मिलेगा वो मिलेगा। और इसके लिए जो कृषि उत्पादों का जो व्यापार है उसमें लाइसेंसिंग अब बहुत कम कर दी जाएगी। इसके लिए भंडारण, प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, इसमें निवेश करने वाले जो लोग हैं वो आगे आएंगे। सरकार भी इसमें निवेश करेगी, जैसे मैंने वो बताया है कि 1,00,000 करोड़ रुपए का उसमें रखा है। एक विषय और इसके साथ मैंने जोड़ना है कि जब ये भंडारण में लोग भंडार कर सकते हैं और एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में जो मैंने बताया कि उसमें थोड़ा छूट मिलने वाली कि कितना ही भंडारण करो, इसमें आम आदमी के दिमाग में लोग डालना शुरू करेंगे कि इससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसमें उनको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनका जो PDS का सिस्टम है, जो राशन वितरण है, वो जो सरकार की ओर से चल रहा है वो निश्चित चल रहा है। वो किसी भाव कोई चीज़ बाहर हो जाएगी मार्केट में, उसका उस पर असर नहीं पड़ने वाला। वो तो जो PDS के माध्यम से उसको निश्चित राशन निश्चित कीमत पर मिलता ही रहेगा। अगर कोई गैप आएगा तो वो सरकार के ऊपर जाएगा। ये तो उसके अतिरिक्त सरकारी जो प्रोक्योरमेंट होता है उसके अतिरिक्त बाहर जो चीज़ें बिकनी हैं उसमें अगर अच्छी कीमत मिल सकती है, क्योंकि अंतर बहुत होता है। सामान्य मानो अनाज है वो 20 रुपये किलो है, 2000 रुपया क्विंटल है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट बन करके और आगे जो उसको रिफॉर्म करके बेचते हैं वो 10,000 रुपया क्विंटल की चीज़ें बन जाती हैं। वो जो आगे उसकी वैल्यू एडिशन है, उस वैल्यू एडिशन का हिस्सा किसान को मिल जाए, इसके लिए उसका प्रयत्न किया जा रहा है। कौन कौन इसका व्यवसाय कर सकते हैं, तो इसमें लिखा कोई भी पैन का खाताधारी व्यापारी कृषि उत्पादों का व्यवसाय कर सकते हैं।
एफपीओ कृषि सहकारी समितियां किसानों के समूह भी बिना पैन कार्ड के व्यापार कर पाएंगे। कृषि उत्पादों के व्यवसाय पर कोई मंडी शुल्क अथवा उपकर देय नहीं होगा। मोटे रूप से आज के ये दो ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी और मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से ये अपील भी करूँगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए। बहकाने में कुछ वेस्टेड ग्रुप होते हैं जो ऐसे बहकावे की बातें शुरू करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा हर प्रयोग किसी के हित में, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या किसी समूह के हित में करने के बजाय आम जनता के हित में करने का ज़्यादा रहता है। किसान को हम आम जनता इसलिए मानते हैं कि 70% जो जनता का जुड़ाव है वो किसानी से है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े वर्ग के सहयोग के लिए, सहायता के लिए ये हम करते हैं। एक जानकारी और जो देनी है वो यह है कि एक योजना पिछले दिनों में हमने चलाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। उस समय सबको एक उत्सुकता थी, हमने उसके लिए टारगेट तय किया था 1,00,000 हेक्टेयर ज़मीन पर इस बार हम धान न बोएं, ऐसी किसानों से अपील की थी। उसका डे टू डे रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है अब, हालांकि बड़ा एक स्थायी स्थिर आगे हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ने वाला, आज की डेट में 1,18,128 हेक्टेयर यानी 1,00,000 से 18,000 हेक्टेयर ऊपर हम चले गए हैं। हो सकता है इसमें 10,000-5,000 हेक्टेयर बाद में लोगों ने मन बदल लिया हो या हमारे वेरिफिकेशन में कम हो जाए, क्योंकि हम ये वही आंकड़ा दे रहे हैं जहाँ धान ना बो करके दूसरी चीज़ें बोई जाएंगी। अब दूसरी चीज़ें क्या बोई जाएंगी ये तो 1,18,000 ने बता दिया, लेकिन इस सारे पर धान था कि नहीं था पिछली बार सबने ठीक ही यानी रजिस्ट्रेशन किया होगा, फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। हमारी 20,000 हेक्टेयर की तो वेरिफिकेशन हो गई है, तो बहुत जल्दी 1,18,000 की 10-15 दिन में हो जाएगी। रेगुलर उस पर सर्वे करना करके और उसमें जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है पिछली बार का और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से उसको वेरीफाई करके उसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई गलत ढंग से आगे ना बढ़ जाए, बस इतना ही उसमें सावधानी हमने बरतनी है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश इकाई का नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश संगठन में इस बड़े बदलाव की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से संगठन में फेर बदल की यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओपी धनखड़ को हरियाणा प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोपहर को स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके ओपी धनखड़ को जानकारी देते हुए ये जिम्मेवारी दी। शाम करीब 5 बजे ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता डांस करते नजर आए। इस दौरान धनखड़ ने कार्यकर्ता को संबोधित किया। नव नियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर करेंगे हरियाणा का विकास और बीजेपी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले शासनकाल में भी किया किसानों का समग्र विकास, आगे भी किसानों के विकास की ओर ध्यान केंद्रित रहेगा। के सवाल में जवाब छिपा है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए, आने वाली कठिनाइयों को दूर कराएं, जो लोगों के बीच में जो विषय आ रहे हैं भी आइए और जो लोगों के बीच में इस प्रकार की चीज़ें आती हैं इनको सुधार दें, सारी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, वो लोगों की सब बातें सरकार पहुँचाए। अन्य भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए अपने किसानों के आवाज उठाई। मास्क और सैनिटाइजर मेरे से पहले भी सुभाष बराड़ जी के नेतृत्व में बांटे, यहाँ में किसानों में महिलाओं में बांटे और निश्चित रूप से पार्टी सजग होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा
कि मैंने डॉक्टर गुलेरिया का भाषण सुना था जो एम्स के डायरेक्टर थे, पेशेंट होने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक 25 लाख की, ये लोगों की सजगता के कारण, जो सजगता यहाँ पर पहले लॉकडाउन में व्यवस्थाएँ बना के, सैनिटाइजर और मास्क का महत्व समझा के, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझा के, अपना ख्याल रखना जो सिखाया। नहीं तो हमारी हालत हो सकता है कि जैसे यूएसए ने शुरू में लॉकडाउन नहीं किया और यूएसए की संख्या बहुत तेजी के साथ, हमने लॉकडाउन किया, हमारी परमात्मा की दृष्टि से इम्यूनिटी भी अच्छी है, उस नाते से हमारा ठीक होकर आने वालों की संख्या बहुत बड़ी है ईश्वर की कृपा से, और उस नाते से मुझे लगता है कि ये जो सजगता लोग हैं, इस सजगता को और बढ़ाकर ही, जब तक वैक्सीन नहीं आता ये सजगता ही वैक्सीन है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इसकी दवाई जो है मास्क। तो ये थी हरियाणा प्रदेश की खास खबरों पर एक नजर। कल फिर से मिलेंगे ताजा खबरों के साथ हिंद एक्सप्रेस डिजिटल न्यूज़ के जरिए। नमस्कार।